हे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आज हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वॉट इज़ योर वॉक इन इंटरव्यू और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या होता है. ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है. एक कैबिन क्रू अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए अपनी वैकेंसीज कैसे देखनी है. किसी और पे डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि आप खुद हमेशा चेक करते रहें. सबसे पहली चीज़ ये है कि वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है. वॉक इन इंटरव्यू वो होता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली आप वॉक करके इंटरव्यू के लिए जा सकें विद योर रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट जो भी आपका है वो सब लेकर के आप डायरेक्टली वॉक इन के लिए जा सकते हैं. इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. और ये आप कैसे चेक करेंगे वॉक इन इंटरव्यू को? सेम प्रोसीजर है जो मैं हमेशा बोलती हूँ. करियर पेज पे जाइए और वहाँ पे जा करके आप देखेंगे, वहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन होगा वॉक इन इंटरव्यू और उसके बाद लिखा होगा डेट, टाइम, वेन्यू और प्लेस जहाँ पे हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ में होता है इंटरव्यू. जो लोग ये पूछते हैं कि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, क्या मुझे दिल्ली आकर के इंटरव्यू देना होगा? बिल्कुल भी नहीं. कई सारे सिटीज़ में वॉक इन इंटरव्यूज़ होती हैं. मुंबई में होती है, दिल्ली में होती है, पुणे में होती है और बहुत सारी हैं. मैं तो कुछ जगहों का नाम बता रही हूँ. गुवाहाटी में होता है, लखनऊ में इंटरव्यू होता है, बैंगलोर में होता है, देन कोचिन में होता है, चेन्नई में होता है. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ होता है. मैंने कुछ के नाम लिए हैं जो मुझे अभी याद है, अहमदाबाद. इन सब जगहों पे आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जो भी आपका नियरेस्ट प्लेस होगा, आई थिंक ऑलमोस्ट हर सिटी में कहीं ना कहीं नज़दीक में होता ही है. तो आप जहाँ भी आपके नज़दीक में जो भी जगह पड़ती है वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है. उसके बाद इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जब आपको वॉक इन इंटरव्यू आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा. लेकिन ज़्यादातर जहाँ इंटरव्यू होता है उनमें से दिल्ली है, कि वहाँ पे मान लो अगर वैकेंसीज आई हैं तो हो सकता है कि दिल्ली में 2 डेज़ में वैकेंसीज हो रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 डेट्स हैं वॉक इन के, तो हो सकता है 8 डेट्स अलग अलग सिटीज़ में हो और 2 दिल्ली की डेट हो. ऑल राइट, मान लो 19 फेब को हो रहा है एंड देन अगेन 1 मार्च को अगेन दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है. तो दिल्ली का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू होता है, ठीक है. सेकेंड थिंग, इम्पॉर्टेंट वन, ये आप हमेशा करियर पेज पे जाकर के चेक कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो इनके आप पेज को फॉलो कर सकते हैं. ऑफिशियल एयरलाइन का जो पेज होता है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे वो पोस्ट डालते रहते हैं कि कहाँ पे इनकी वॉक इन वगैरह चल रही है या कुछ हायरिंग हो रही है या नहीं. अभी कुछ हायरिंग नहीं है दिल्ली में. आई वुड से 93 या समवेयर फ्लाइट्स अभी चल रही हैं, मतलब एक्टिव हैं. तो बहुत कम रेशियो है अभी फ़िलहाल. कुछ लोग, मतलब काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे तो अभी रेशियो कम है. बट ठीक है, धीरे धीरे तो सब ठीक हो जाएगा. अभी वी कांट से एनीथिंग. तो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे लिखा होता है अप्लाई नाउ. उसके बाद आप जाते हो, रजिस्टर करते हो अपने नेम, नंबर्स, एड्रेस, एवरीथिंग जो भी होता है. फिर आप सबमिट कर देते हो एक रिज्यूमे के साथ. तो वो जब आप सबमिट करते हो तो वहाँ पे ना कम चांसेस होते हैं कि कुछ लोगों का सेलेक्ट होगा रिज्यूमे, या फिर कुछ लोगों को कॉल्स आएंगी. लेकिन वॉक इन में क्या होता है, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच चुके हो. चाहे ना चाहे उनको आपका इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा, है ना. फर्स्ट राउंड में लिया, ये रिजेक्ट हो गए कुछ, फिर सेकेंड राउंड था. लेकिन कम से कम आपको मौका तो मिला, सीखने का तो मौका मिला, आपको रिक्रूटर के सामने आने का तो मौका मिला. थोड़ा सा डर लगता है लोगों को कि वॉक इन में डायरेक्टली उनके पास जाना पड़ेगा, लेकिन दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. यही सबसे बेस्ट चीज़ है. ऑनलाइन में मान लो आपकी एक सेंटीमीटर छोटी है हाइट या 2 सेंटीमीटर, कभी भी मेंशन मत करो. ऑनलाइन में भी हमेशा मेंशन 155 या फिर जो भी उस एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो आपको मेंशन करनी है वहाँ पे. और दूसरी चीज़, जब आप वॉक इन के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी अगर आपसे हाइट पूछी जाती है, व्हाट्स योर हाइट, तो आप बता दो कि अच्छा मेरी इतनी हाइट है. जो भी आपका मिनिमम हाइट होगा वहाँ पे, 1-2 सेंटीमीटर छोटी भी है तो डोंट मेंशन इट, बता दो 155 सेंटीमीटर है. उसके बाद वो मेजर करेंगे, वो खुद देख लेंगे. तो आप उन्हें बता सकते हो कि नहीं, मेरी तो 155 ही है, मैंने मेजर करा था. तो वो मेजर करके देखें या आगे क्या डिसाइड करते हैं वो उनके ऊपर है. लेकिन आपको वहीं पे यही मेंशन करना है कि मेरी 155 सेंटीमीटर है. तो ठीक है, ऑनलाइन के लिए भी आपको कहाँ अप्लाई करना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे. अब काफ़ी सारी वेबसाइट है, जैसे naukri.com, Indeed वगैरह, या फिर और भी काफ़ी सारी हैं,
बहुत सारी जॉब वेबसाइट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इनके पास जाने का। इन सबको आप कैबिन क्रू के जॉब के लिए हटा के रख दो, आप डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक कीजिए। मैं आपको बता दूंगी अभी कि कैसे चेक करना है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होगी कि वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है। वॉक इन इंटरव्यू वही होता है जहाँ पे आपको डेट, वेन्यू, टाइम सब कुछ मिल गया हो, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली वॉक इन के लिए जाना है विद योर रिज्यूमे। ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में कोई वैकेंसी नहीं है। किसी ने मुझे ये डाउट पूछा था कि विस्तारा एयरलाइन की वैकेंसी शो हो रही है, वो वैकेंसी नहीं है, बल्कि दैट इज़ जस्ट पहले विस्तारा का कुछ ऐसा था, कुछ फ्यू डेज़ में ना उन्होंने ऐसे सेट करा था कि इस दिन में आप आ करके और अपना रिज्यूमे सबमिट, सॉरी, इस दिन वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप उनके हेड ऑफिस पे जा सकते हो, और वहाँ पे उस डेज पे हमेशा वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते थे। मतलब अगर कोई एक दो कैंडिडेट आता है तो उसको हमेशा चेक कर लेते थे और उनका इंटरव्यू ले लिया जाता था। लेकिन अभी आप वहाँ पे चेक करोगे तो वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन साइड में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू पोस्टपोन्डेड टिल फर्दर नोटिस। मतलब जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक पोस्टपोन ही रहेगा, मतलब अभी कोई इंटरव्यू नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी।